अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ले आए मुझे केमिस्ट्री की आपके पास शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की। फिलहाल जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं इनसे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। जिन बच्चों को भी फिक्र है तैयारी करने की, तो केमिस्ट्री की थोड़ी लेट हो गई। इसका ये मकसद था कि एक तो लोड शेडिंग काफ़ी हो रही है और ऊपर से मैं थोड़ा मसरूफ भी था। तो बाकी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका चैप्टर वन है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री आई थिंक सो, तो उस पर आ जाएँ। तो इसमें सबसे पहले आपने जो करना है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और व्हाट डू यू नो अबाउट कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर। तो इस कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर में आपके पास वो जो वाटर एयर फायर और एम्पिडोक्लिस का जो कॉन्सेप्ट है ये वो वाला वहाँ से आएगा। ये साइड पर एक बॉक्स बना होगा उसमें। उसके बाद व्हाट इज़ मोल। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एनालिटिकल एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9.0 ग्राम ऑफ स्टीम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद व्हाई वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड वन मोल ऑफ एच एटम हैव डिफरेंट मैसेज। क्योंकि वो एटम है, ये मॉलिक्यूल हैं इस वजह से। उसके बाद व्हाट मैस ऑफ सोडियम मेटल कॉन्टेन द सेम नंबर एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। दिस इज़ द मोस्ट फेमस शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद जी हमारे पास आता है कि व्हाट मास ऑफ द ऑक्सीजन कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद कैलकुलेट द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इन ग्राम्स। उसके बाद कैलकुलेट द मास ऑफ एच एटम इन 18 ग्राम ऑफ H2O। उसके बाद कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ H2O। उसके बाद जी हमारे पास जो आगे आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री रेडिकल। और उसके बाद डिस्क्राइब हाउ एवोगाड्रो नंबर इज़ रिलेटेड टू वन मोल ऑफ सब्सटेंस। दिस इज़ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आप यही कर लो तो आपके लिए बहुत होंगे। उसके बाद जी हमारे पास है व्हेन नेचुरल गैस बर्न CO2 इज़ फॉर्म्ड। इफ़ 0.25 मोल्स ऑफ CO2 इज़ फॉर्म्ड व्हाट मास ऑफ CO2 इज़ प्रोड्यूस। तो इसमें आपने मास फाइंड करना है, मास इन ग्राम। तो आगे चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आप आ जाएं तो सेक्शन सी है आपके पास। तो सेक्शन सी में आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। डिफाइन आयन मॉलिक्यूलर आयन फार्मूला यूनिट फ्री रेडिकल एटम एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास। उसके बाद जो बी पार्ट है डिस्क्राइब द पास्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसको भी देख लें। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर इज़ अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद द टर्म मॉलिक्यूलर फार्मूला मे नॉट बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद डिफाइन एवोगाड्रो नंबर हाउ इट इज़ रिलेटेड और व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एक्सप्लेन इट। तो इसको आपने यहाँ पे कर लेना है। और इसकी अगर सोल्यूशन मैं आपको दिखा दूँ तो ये आयन और फ्री रेडिकल के दरमियान डिफरेंसेस लिखी हैं आपने, इसको इसी तरह लिखना है। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर में ये आपको कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर मिलेगी। और बाकी मैं आपको सारे का नहीं दिखाऊंगा, फिलहाल आप यही देख लें। ये एनालिटिकल एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और मोल और कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, इसकी ये आंसर्स लिखे हैं। उसके बाद 9 ग्राम ऑफ स्टीम वाला ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। और वाई वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड वन मोल ऑफ एच एटम हैव डिफरेंट मैसेज। और उसके बाद व्हाट मास ऑफ सोडियम मेटल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो आगे अगर आएँ तो ये वाला एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये वन मोल ऑफ CO2 और 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को भी देख लें। और ये डिफरेंशिएट बिटवीन आयन रेडिकल, ये सारा कुछ भी आपने यहाँ से देख लेने हैं। जिनको इनके आंसर नहीं पता, सारों के आंसर मैं नहीं बता सकता क्योंकि काम ख़राब हो जाएगा। इसके बाद ये आप डिफरेंस देख लें, ये पॉइंट्स बुक में नहीं बने होते, बाकी सारा बुक में लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख लें। कंपाउंड मिक्सचर का आप देख लें। उसके बाद ये एक ये एटम और आयन के दरमियान जो डिफरेंस है ये भी देख लें, और ये भी आ सकता है। और बाकी आपको सेल्फ असेसमेंट्स वगैरह मैं सारा कुछ बुक से निशान लगवाऊंगा। फुल बुक जो गैस लेके आ रहा हूँ वो जाहिर बात है उसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से सारा कुछ आपको बताऊँगा। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम डिनाई नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा जल्दी से ये वीडियो बनानी आसान है तो ये आपके लिए जल्दी पहले ही शेयर कर दूँ। इसके बाद ये हम चैप्टर नंबर 2 पे आए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो पहला है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड शेप सेल। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और व्हाई एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये मैं अपने बच्चों को इतनी बार मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री के फाइनल प्री बोर्ड एग्जाम में भी दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ मैनी सब शेल आर देयर इन एन शेल, गिव नोटेशन फॉर सब शेल एम। उसके बाद लिस्ट द सब शेल ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर, कैन यू आइडेंटिफाई एटम विदाउट नोइंग अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट। तो इसको देख लेना आपने।
आगे चले तो इस चैप्टर से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले चैप्टर से आपको नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम बाय मोलर मास, वो वाला फार्मूला आपने लगा के ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने हैं। और इससे आपको अगर आ सकता है न्यूमेरिकल्स में तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है। उसके बाद ये जो M24 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जिस मर्ज़ी की आ जाए आपको करनी आनी चाहिए। और उसके बाद ये ड्रा बोर मॉडल, बोर मॉडल भी आपको ड्रा करना आ सकता है, तो ये भी आपको ड्रा करना आना चाहिए। तो अभी मैं आपको ये सारा कुछ ड्रा कर वगैरह के दिखा नहीं सकता, क्योंकि अभी ज़ाहरी बात है इंपॉर्टेंट के बनाने की वीडियो का टाइम नहीं होता। तो उसके बाद ये जो आखिरी वाला टेबल्स वाला, ये SLOs बेस्ड क्वेश्चन के जरिए आपका आ सकता है, तो उसको भी देख लें। उसके बाद सेक्शन सी अगर हमारे पास आते हैं, तो सेक्शन सी में आपके पास नेचुरली अकरिंग N14 N15 आइसोटोप वाला आ गया है। और उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, बोर एटॉमिक थ्योरी, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और उसके बाद यूजेज ऑफ आइसोटोप्स और इंपॉर्टेंट ऑफ आइसोटोप भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एक ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस है, इसको भी आपने यहाँ पे देख लें, आपको उम्मीद है कि क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो ये डिफरेंस बुक में नहीं बने होते तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं, जो कि पीरियोडिसिटी के बारे में, पीरियोडिक टेबल्स के बारे में चैप्टर है। तो इसमें हमारे पास सेक्शन बी में हमारे पास जो है वैलेंस शैल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और ग्रुप नंबर पीरियड नंबर इसमें आपको आना चाहिए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट टू वेज इन विच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर, तो उसके बाद विच आइटम हैज हायर शील्डिंग इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक्सप्लेन वाई एन ए हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन के। उसके बाद अल्कलाई मेटल बिलोंग इन पीरियोडिक टेबल वाई। उसके बाद अरेंज द एलिमेंट्स इन फॉलोइंग ग्रुप, इनको ग्रुप और पीरियड्स में अरेंज करना है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये जो अगला स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यू एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शील्डिंग इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसने ये वाला आखिरी क्वेश्चन भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है, तो आपने ताना है कौन से जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद ये टेबल बना हुआ है, तो इसको आपने अरेंज करना है यहाँ पे सारे को। और आगे आए तो यहाँ पे फॉर द नॉर्मल एलिमेंट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर, फाइंड द ग्रुप नंबर, ये इनके आपने ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड करने हैं, ये अल्मोनियम सोडियम पोटाशियम और ऑक्सीजन के। उसके बाद आपने राइट द वैलेंस शैल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। और उसके बाद डॉट सिम्बल्स वाला आपने वो स्ट्रक्चर ड्रा करना है। उसके बाद वैलेंस शैल कॉन्फ़िगरेशन है, और ये नीचे टेबल वाला क्वेश्चन भी देख लें। सेक्शन सी में अगर आएँ तो इसमें से आपको यही न्यूमेरिकल्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर आएगा। ये क्लोरीन वाला न्यूमेरिकल इसमें से कर लेना है, ये आपकी उसी सेल्फ असेसमेंट वगैरह में होगा। और उसके बाद ये टू एटम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे आपने देख लेने हैं। ये चैप्टर ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इस चैप्टर में से ये एक डिफरेंस आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो इसको लाजमी देख लो यार, इसको यहाँ पे रोक के इसका स्क्रीनशॉट बना लो जिसके पास ये पॉइंट्स हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 3-4 पॉइंट लिखोगे तो इसमें से आसान आसान जो दिल करे लिख लो। तो ये चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ जो मॉलिक्यूल है, इसमें से आपने ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल करना है, और ये फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम करना है। हाउ डज AL फॉर्म केटायन, हाउ डज O फॉर्म एनायन। उसके बाद ड्रॉ द क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, इस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ऑक्टेट और डुप्लेट रूल वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो आगे चलें तो हमारे पास ये आते हैं, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन दीज आयंस, और ये वो नीचे वाला ही क्वेश्चन है, ये इसके में बताना है कि आपका इनके चार्ज वगैरह वगैरह क्या वगैरह क्या है। तो ये आगे इसके SLOs बेस्ड पार्ट ABC क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। उसके बाद जी हमारे पास आता है ये डायग्राम दी हुई है, इसमें से आपने ABC पार्ट इसके लिखने हैं, और नीचे ये एक टेबल दिया हुआ है, इसको भी देख लेना है, विच सब्सटेंस इज़ अ मेटल वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसी तरह आपने ये नीचे भी ये वाले क्वेश्चंस देख लेने हैं। इनमें से डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको देख लेना है। हाउ डज एटम अटेन स्टेबिलिटी, दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और डिस्क्राइब द वेज इन विच बॉन्ड आर फॉर्म। उसके बाद जी सेक्शन सी पे अगर आओ तो सेक्शन सी में आपने हाउ आयोनिक बॉन्ड है, इसमें से आयोनिक बॉन्ड वाला इंपॉर्टेंट है, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाला भी आपने करना है, कोवेलेंट बॉन्ड करना है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस चैप्टर में से सिर्फ इंपॉर्टेंट आप ले लें। उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला कर लें, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसको भी देख लें, और ये सारे लॉन्ग आपने देखने हैं। उसके बाद मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर वगैरह वगैरह का इसमें देख रहे हैं। इसमें ज़्यादातर आपको डुप्लेट रूल बनाने के लिए और ऑक्टेट रूल के लिए वो डायग्राम्स दे देगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक वो आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के आपस में डिफरेंसेस हैं, तो इनको भी लाजमी देख लो यार।
तो ये हमारा आगे चैप्टर आता है मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर वाला, तो इसमें आपने आ जाना है। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ डज द टेम्परेचर इफेक्ट वेपर प्रेशर, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। वाटर बॉयल एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेशर कुकर, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इज एवेपरेशन अ कूलिंग प्रोसेस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद कैन यू बॉयल वाटर एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आपको एक टेबल दे जाएगा, और उसके बाद ये जो स्टूडेंट ने डाटा कलेक्ट किया है ये आपकी बुक पे बना हुआ है, तो इसको देख लेना है। डू यू थिंक दैट डाटा इज कलेक्टेड केयरलेसली और केयरफुली। उसके बाद एक वाटर लेवल की जो एक्वेरियम में आपको बता रहा है कि क्या करता है, डिक्रीज स्लोली, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज डू यू एक्सपेक्ट, तो ऑटो वेल स्टरलाइज, ये वाले सारे आपने ये देखने हैं। ये आखिरी वाला भी ऑटो क्लेव इज़ यूज टू स्टरलाइज, ये वाला। तो इसमें वो एक 70 डिग्री वाला प्रेशर कुकर वाला था, और वो माउंट एवरेस्ट वाला एक क्वेश्चन होता है इसमें। मैं आपको बुक में जब लेके जाऊंगा तब दिखाऊंगा, वो भी करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी नस्बत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये आगे आओ तो ये आपको टेबल एक दिया होगा, ये बुक पे भी बना होगा, तो इसमें से आपने ए बी सी पार्ट जो भी इसने पूछे हैं वो लिखने हैं। और एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस बाय प्रेशर और टेम्परेचर, जब चेंज इन टेम्परेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज एवेपरेशन लोअर द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, तो ये भी बताना है आपने, जब एवेपरेट होता है तो क्या होता है उसके साथ, क्यों उसका जो टेम्परेचर है कम हो जाता है। उसके बाद डिफ्यूजन और रिफ्यूजन का आपस में डिफरेंस आ सकता है। एवेपरेशन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट करना है, एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, और अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस इज़ अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, यहाँ पे एक डायमंड वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये ऑटोमोबाइल वाला, नीचे कोई प्रेशर वाला न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है, इसको देख लेना। तो ये डिफ्यूजन और रिफ्यूजन का यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ गया, इसको लाजमी देख लो यार, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और आगे चलो तो ये हमारे पास जो आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, एक तो इतनी हवा चल रही है, क्या करूँ इसका, ये आपने क्या करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को, रुक जा भाई, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड वाले को लाजमी देखना है यार, ये डिफरेंसेस देख लो, बुक से करना चाहते हो बुक से कर लो। उसके बाद जी ये बॉयलिंग और एवेपरेशन का ये दरमियान में जो डिफरेंस है इसको भी देख लो। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो चीज़ें यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं उनको आपको ज़्यादा हाईलाइट करूँ, ताकि यार आप लोगों को एक इंडिकेशन मिल जाए ये क्वेश्चन आपने करने हैं, ये तकरीबन इंपॉर्टेंट ही लिखे हुए हैं मेरी नज़र में। तो बाकी फुल बुक गैस इंशाल्लाह लेके आऊँगा, टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 6 आ जाता है सोल्यूशंस। तो ये हवा को आज बहुत शरारत सूझी हुई है। तो उसके बाद फला डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस आपने लिख लेने हैं। और उसके बाद गिवन, ओ भाई रुक जा एक सेकंड यार, इसको मैं एक मिनट ये पेन इधर डालूं। तो ये लें, अभी थोड़ा आसरा हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन करना है। उसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन कंटेनिंग टू सॉलिड्स, कैन यू कॉल कोलाइड अ सॉल्यूशन, इनमें से जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये देख लो करने हैं तो यार कर लो, अपनी मर्जी है आप लोगों की। ये SLOs बेस थोड़े बहुत तैयार हुए हुए हैं, तो बाकी ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपने छोड़ने नहीं है, केमिस्ट्री में भी आते हैं। तो उसके बाद जी नोइंग द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ मीनिंगफुल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट, उसके बाद विच सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूट, ये वाला कर लो जो 11 वाला है। और उसके बाद ये बेंजीन वाला कर लो, नज़र तो आपको सारे आ रहे होंगे, कैमरा क्वालिटी अच्छी है, और नहीं तो आप अपनी नीचे से क्वालिटी HD पे कर लो तो सही हो जाएगी। उसके बाद आप पेशेंट, ये वाला आखिरी, ये X1V, अ पेशेंट इन हॉस्पिटल इज ऑफन एडमिनिस्टर्ड इन इंट्रावेनियस ड्रिप 1-4, ये ड्रिप वाला भाई बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद ये आखिरी वाला, ये भी कर लेना है। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाओ तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें ज़्यादातर देखो न्यूमेरिकल ही आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल ही आपने कर लेने हैं सारे, ख़ास तौर पर ये जो इधर छापे हुए हैं ये आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद ये एक और इधर आता है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप आता है, ये है जी सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान में डिफरेंस। तो इसका ये डिफरेंस है, इसको देख लो, क्लियर नज़र आ रहा है आप लोगों को, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी प्रिपेयर कर लेने।
उसके बाद जी हमारा जो अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें से आपने क्या करना है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर है इसका डिफरेंस आ जाता है। और उसके बाद ये जो आगे क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं, नेल्सन सेल वाला कर लो, टिन प्लेटेड स्टील वाला इंपॉर्टेंट है, इज़ यूज टू मेट फूड कैंस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद जी हमारे पास डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट इज़ अकरिंग इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन, ये प्रोसेस आपने बताना है। और फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन भी इससे इंपॉर्टेंट है। ये नीचे इस चैप्टर में इलेक्ट्रो यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला कर लो, और डिस्क्राइब हाउ बैटरी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कर लो, और उसके बाद जी हमारे पास केमिस्ट्री वाला और ये सारे लाजमी कर लो। उसके बाद जी लॉन्ग क्वेश्चन में आओ तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इंपॉर्टेंट है, और ये रिकवरिंग मेटल फ्रॉम इट्स और दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आगे आ जाओ तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कंपेयर द इफेक्ट ऑफ Al2O3 2O3 ये भी कर लो, इलेक्ट्रोलाइसिस लाजमी करना है, और बाकी ये आखिरी जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड वोल्टिक सेल ये भी लाजमी कर लो। ये जी आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल का डिफरेंस आ गया है, इसको लाजमी देख लो, इसका बेशक पास करके स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी ये आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान जो डिफरेंस है इसको भी देख लो, ये इसका डिफरेंस क्लियर फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद जी कंडक्शन थ्रू मेटल्स एंड कंडक्शन थ्रू मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट ये वाला भी लाजमी कर लो। बहुत ठंडी हवा चल रही है, मौसम बड़े मज़े का हो रहा है, तो अभी मैंने कहा यार पहले आपकी बना लूँ, अभी मैथ वालों की वीडियो रहती है एमसीक्यूज़ बनाने। उसके बाद ये एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोलाइसिस की ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको बुक से टेंशन नहीं लेनी, सारा बताऊँगा। उसके बाद जी आगे आपका चैप्टर 8 आता है केमिकल रिएक्टिविटी, और हवा भी बहुत तेज़ आती है तो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इधर, तो आप लोगों ने यहाँ से पेन भी गिर गया तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, इन अ ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन इंक्रीजेस, गिव एग्जांपल विच एलिमेंट इज़ मोर मेटेलिक ये वाला भी कर लो, और उसके बाद ये अरेंज कर लो, जल्दी जल्दी देख लो इससे पहले हवा आपको भी ना उड़ा के ले जाए और ये मेरे मॉडल पेपर को भी ना उड़ा के ले जाए। तो उसके बाद ये देखें अब आपको ये पढ़ने नहीं दे रही, और यहाँ पे ये सारे इसको नोट कर लो, मेरे से अभी ये पढ़े नहीं जा रहे। गिव सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ प्लांटेनियम ये वाला कर लो, और व्हाट इज़ एक्वारीजा इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बाकी में इसमें से ये कर लो। लॉन्ग में आ जाओ तो जी ये हमारे पास आता है Cl2 ये वाले कर लो, और यार इसमें से इतना कोई ख़ास चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली और ये हेलोजेंस कर लो, और हाउ डू यू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस ये कर लो। उसके बाद जी ये हमारे पास जी अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपस में कंपेयर हुई हैं इनको देख लो, और उसके बाद ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आ गई है तो इनको देख लो, ये क्या क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, शाइनी सरफेस इनकी होती है। तो उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अभी तो बस वीडियो ख़त्म ही करनी पड़ेगी, तो मौसम ऊपर बड़े मज़े का हो गया है और बारिश आने वाली है, तो अभी आंधी भी अभी आने वाली है, और उम्मीद है यार आप लोगों को थोड़ा हौसला मिला होगा, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, मुझे आप लोगों का एहसास है, ऐसी बातें नहीं, सेल्फ असेसमेंट वगैरह आपको सारी मैं बुक से कराऊंगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे छोड़ो सारा कुछ, सोल्यूशन अगर चाहते हो तो मैं कोशिश करूँगा कि लाइव शाइव आगे आपको सेल्फ असेसमेंट सॉल्व भी कराऊँ। इसमें वही है यार, एक वो आपने मैस एंड ग्राम मोलर मैस वाला फार्मूला करना है, आगे दूसरे चैप्टर में आपको पता होना चाहिए ग्रुप नंबर पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, उसके बाद जी तीसरे नंबर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करनी आनी चाहिए, और उसके बाद ये P1V1 वाला पास्कल लॉ वाला फार्मूला जो कौन सा है वॉल्यूम प्रेशर वाला वो फार्मूला है, और उसके बाद जी आपका बस इतना कोई लंबा वो नहीं है, ये वाली लाजमी करनी है, ये रदरफोर्ड वाली। तो उम्मीद है यार वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, फिलहाल के लिए इजाज़त दो, मौसम बहुत अच्छा है लेकिन एंजॉय क्या करना, अभी नीचे कंप्यूटर पर जाके 10th वालों की वीडियो बनानी है, और उसके बाद आपकी भी लेके आता हूँ, तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।